इस बारे में ये स्वच्छता को लेके किस तरह कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बोर्ड लगाने की पहले तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें, क्योंकि लोगों को जगह जगह कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। पर प्रॉब्लम हमारे ये फेस कर रहे हैं हम बार बार पार्षदों के साथ मीटिंग करने के बाद में हम पता लगता है कि हमारी गाड़ी आने के बावजूद भी कई लोग हैं अपनी आदत से मजबूर, जो कैमरा लगने के बावजूद भी वो जगह जगह कूड़ा फेंक रहे हैं। देखिए, हम सबकी दायित्व बनती है कलेक्टिव कि हम लोग इसको प्रॉब्लम को समझें। इसके कारण आवारा पशु भी आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कूड़ा जहाँ होता है आवारा पशु भी वहीं घूम रहे होते हैं। हर तरफ हर बार नगर परिषद की जिम्मेदारी निकाला भी इसमें उचित नहीं होगा। लोगों को कृपया करके मैंने फिर बोला कि अगर उनके घरों तक एमसी एरिया में गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, जब कोई उनको प्रॉब्लम हो रही है इस तरह की, वो हमें ज़रूर बताएं, हम उसको दुरुस्त कर देंगे, ना कि वो कूड़ा हर जगह फेंकें। आप किसी गली के सामने फेंकने से वो कूड़ा घूम फिर के फिर आपके पानी में, आपके ही हवा में, आपकी ही वायुमंडल में आता है वापस, जिससे कि काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। इस करके एमसी ने एक कदम उठाया है, ये मीटिंग में हमने पास किया था कि जो इस तरह का कार्य करते पकड़ा जाएगा उसको 2000 रुपये फाइन लगाया जाएगा।